इन 60 महीनों में प्राइम मिनिस्टर साहब, क्या आपको एक बार भी ऐसा लगा कि कोई एक काम छूट गया है जो अभी आप करना चाहेंगे? मोदी जी, ये इस सवाल को पूछने पर हो सकता है बड़ी आलोचना हो, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ। मैं भी एक इंसान हूँ, सुमित भी इंसान है, आप भी इंसान है, मेरी भी दो आँखें हैं, आपकी भी दो आँखें हैं। मैं भी कई बार ऐसा होता है थक जाती हूँ, और मैं ये कहती हूँ कि बहुत थकान होगी, अभी नहीं होगा। सच बताइए, वाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? आपको मज़ा आता है काम करने में, या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? क्या राज क्या है? आजकल एक टीवी चैनल की बड़ी चर्चा है, आपको पता है? आपके नाम से एक टीवी चैनल चल रहा है हिंदुस्तान में। हाँ, क्या हाँ, है ये कॉन्ट्रोवर्सी चल रहा है? अखबार आप तो, टी शर्ट आपके नाम की बिक रही है, टोपियाँ आपके नाम की बिक रही हैं, अब एक टीवी चैनल आ गया नमो टीवी। चला रहे हैं कुछ लोग। मैं देख नहीं पाया, मुझे समय नहीं मिलता इतना। इंटरेस्टिंग है, आपको ज़रूर देखना चाहिए। हमने आपके और भी इंटरव्यूज पुराने देखे हैं, अलग अलग जगह पर आपने जो दिए। जब उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, आपने कहा कि आप इन्वॉल्व थे, आप देख रहे थे, आपको जानकारियाँ मिल रही थी, आपने खुद ने माना। क्या इस वक्त भी जब बालाकोट हुआ, एयर स्ट्राइक्स हुई, तब भी आप इन्वॉल्व थे, आपको पता था, आपके पास जानकारी आ रही थी? ये ठीक है कि मैं अपने विषय में कुछ बताऊं वो अच्छा मुझे शोभा नहीं देता है, लेकिन जब आपने पूछ लिया तो मैं बता देता हूँ। मैं सोया नहीं, और मैं कैसे सो सकता हूँ जी, जब मुझे पता है कि 1 बजे होने वाला है, 1:30 बजे होने वाला है, 2 बजे होने वाला है, ये पता है, और मैं खुद उसमें इन्वॉल्व हूँ। तो मैं ये तो नहीं चाहता था कि हर पल कोई मुझे रिपोर्ट करे क्या हुआ क्या हुआ, लेकिन मैं इतना ज़रूर चाहता था कि होने के बाद मैं जागता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, होने के बाद मुझे बताइए। सच में ना आप सोते हैं ना सोने देते हैं। मैं किसी को जगाता नहीं हूँ, अगर कोई सो नहीं पाए तो उनकी मजबूरी है। आपने रात्रि का जिक्र किया, नवरात्रि शुरू होने वाली है, बहुत सारी रैलियां हैं, आप इस बार भी व्रत रखेंगे? ये नवरात्रि उतना कठिन नहीं होता है जितना मेरा सितंबर अक्टूबर वाला होता है, लेकिन मैं जमा लूंगा मामला। कुछ नहीं खाते इन नवरात्रि में, पूरी तरह उपवास करते हैं जी? नहीं। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि इसमें आपको कम थकान होती है? इसमें कुछ मतलब, उसमें क्या ज़्यादा कठिन तपस्या होती है, इसमें कम होती है व्रत की? मैं पपीते के सिवाय किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाता हूँ, तो कैसी एक चीज़ तय करता हूँ और उसके आधार पर फिर मैं चलता हूँ। अभी आपने तय कर लिया है? वो करूँगा मैं, और वो भी कोई पब्लिक का विषय नहीं होता है। कौन बेहतर है हिंदुस्तान के लिए, अगर पाकिस्तान के साथ संबंध मधुर बनाने हैं, नवाज शरीफ से टैकल करना आसान था या इमरान खान को टैकल करना आसान है? देश के मन में एक और प्रश्न है, और वो प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों गांधी भाई बहनों में से बेहतर नेता कौन सा लगता है? अभी गांधी परिवार के सदस्य प्रियंका वहाँ थी और उन्होंने दर्शन नहीं किया रामलला के, हनुमान गढ़ी से लौट गई, इसको कैसे देखते? एक चीज़ मैं तब से नोट कर रहा हूँ जब से आप कांग्रेस के जवाब दे रहे थे, मैं कई दिनों से ये बात सोचता भी था, आपसे पूछूंगा कभी मिलने पर, आप कभी अपने मुंह से राहुल गांधी का नाम क्यों नहीं लेते हैं? कभी शहजादा बोलते हैं, कभी राजा साहब बोलते हैं, महाराजा, नामदार, क्या मतलब, क्यों? हम उनका नाम देने की हिम्मत ही नहीं कर सकते जी, हम तो छोटे लोग हैं जी। ये जो आप बात कहते हैं कि गाली को आप गहना बना देते हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ है? मैं आगे बढ़ता हूँ, विद योर परमिशन। प्राइम मिनिस्टर साहब, इस बार चुनावों में पहली बार अमित भाई भी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। क्या वो आपके आने वाली सरकार में नंबर 2 की पोजीशन पे होंगे? आपकी एक्सपायरी डेट है मुझे। प्राइम मिनिस्टर साहब, क्योंकि आखिर में हम लोग आ चुके हैं, आपने 5 साल पहले कहा था कि मैं तो दिल्ली का आदमी नहीं हूँ, दिल्ली में नया हूँ, एडजस्ट हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा, 5 साल बीत गए हैं, अब आपको लगता है कि दिल्ली भाग गई है? देश के मन में एक और प्रश्न है, और वो प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। अगर हम करें तो करें क्या, बोलें तो बोलें क्या? वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। बस सिंपल बात है जी, मुश्किल काम नहीं है। क्यों आपने देश की जनता के साथ धोखा किया, प्रश्न ये होना चाहिए।